सब लगाइए। आपने वोट किया है, क्या करेंगे आप इन लोगों से? पता नहीं शहरों में क्या ऐसी स्थिति है कि लोग चर्चा बहस मुबाइसा सवाल जवाब खूब करेंगे, मुझे जिस दिन जाना है मतदान केंद्र पर उस दिन उनकी रुचि उतनी नहीं रहती। ये शुरू में हम लोगों को बड़ा परेशान किया गया, अंदर नहीं आने दिया गया, कई जगह हम लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि 100 मीटर कहाँ से नापा जाएगा, तो इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। अब हम अंदर से बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम तो ईवीएम तो बनाते नहीं कि कोई क्या कर रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो हम लोगों ने सवाल उठाया किसी शहर में ये दिक्कत नहीं, तो जमशेदपुर में कुछ डर है क्या विशेष, क्या लग रहा है यहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं? निष्पक्ष तो एक सापेक्ष शब्द है, हर आदमी अपनी तरह से व्याख्या करता है। जो अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनको अपने कैरियर की भी चिंता रहती है, कहीं से उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि उनके आगे के भविष्य के कैरियर पर कोई आँच आ जाए, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेते हैं। और समझदारी के बदले में सामान्य जो पारंपरिक धारणा है उस पर ही लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज भी आपको कोई संभावना है क्या, क्योंकि आपने कल कहा था कि एसपी और डीसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो सुबह निकला हूँ, मुझे भरोसा है जो भी पदाधिकारी प्रशासन के चुनाव में लगे हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। जब तक कोई ऐसी घटना नहीं होती है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि भरोसा टूटे, तब तक अनावश्यक बोलने का, किसी का आलोचना करने का हक भी किसी को नहीं है, उचित भी नहीं। अभी आपने वोट किया है, क्या करेंगे आप इन लोगों से?